दिल्ली में दम घोटू हालात, कई इलाकों में खतरनाक हुआ वायु प्रदूषण, नहीं दिखा पटाखा पर बैन का असर, आज पहुंच सकती है गंभीर श्रेणी में आबोहवा। दिवाली के मौके पर दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी, बड़े पैमाने पर फोड़े गए पटाखे, राजधानी की आबोहवा बेहद गंभीर हुई। दिल्ली के कुछ इलाकों में पीएम 2.5 का स्तर 900 तक पहुंच चुका है, मंजूर सीमा से 15 गुना ज्यादा है आंकड़ा, बैन के बावजूद पटाखे जलाने से खराब हुए हालात। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में AQI बहुत खराब, तो कहीं पर गंभीर स्थिति में लोगों को दी सतर्क रहने की सलाह। दिल्ली के कई इलाकों में दर्ज किया गया भारी प्रदूषण, नेहरू नगर, पड़पड़गंज और अशोक विहार, ओखला में भी बुरे हालात, कई गुना बढ़ा पॉल्यूशन। पटाखों पर बैन और नहीं जलाने की अपील को का असर नहीं दिखा, दिल्ली में दिवाली पर जमकर पटाखे जलाए गए, आसमान में आतिशबाजी साफ नजर आई। दिवाली की रात दम घोटू हुई, दिल्ली की हवा एवरेज AQI बेहद खराब, आनंद विहार इलाके में AQI 400 के करीब। दिल्ली शहर के अन्य हिस्सों में भी बुरे हालात, वजीरपुर, पूसा, विवेक विहार में सुरक्षित से 11 गुना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 8 गुना खराब हुई हवा। वायु प्रदूषण से आनंद विहार में हालत बेहद ही खराब, AQI 400 के पार, सांसों पर संकट और बढ़ा। लोगों पर सांस की बीमारियों पर और खतरा बढ़ा, तेज हवाएं घटा सकती हैं दिल्ली का वायु प्रदूषण, लोगों को अलर्ट रहने की फिर से सलाह दी गई। दिल्ली में आतिशबाजी रोकने के लिए की गई थी तैयारी, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने किया था बैन लागू करने के लिए 377 टीमें बनाने का ऐलान। साइबर सिटी गुरुग्राम गैस चैंबर में तब्दील, दिल्ली के बाद AQI लेवल, दिवाली के बाद हुआ 362 राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर विजिबिलिटी काफी कम हुई। तमिलनाडु में सांसों पर आपातकाल, आसमान में दिखा स्मॉग का कब्जा, मदुरई के कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हुई। दिवाली की रात दिल्ली में दिखा आग का कहर, आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, मातम के दिन में बदला त्योहार। उत्तरी चेन्नई के कामराज नगर इलाके में पटाखों के कारण भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, एन्नोर पुलिस ने शिकायत दर्ज करके जांच शुरू की। बोकारो के पटाखा बाजार में आग लगने से हड़कंप का माहौल, एक दुकान की आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में लिया, धमाकों से थर्रा उठा पूरा इलाका। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां, नदी किनारे लगा था पटाखों का बाजार, आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। बस्ती में अज्ञात कारणों से दुकान में भीषण आग लगी, फंसे हुए लोग सीढ़ियों के सहारे अपनी जान बचाते नजर आए, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में आबकारी विभाग की खड़ी गाड़ियों में लगी भयंकर आग, लगभग 6 गाड़ियां जलकर खाक हुई, दीपावली के अवसर पर हो रही आतिशबाजी से आग लगी। कानपुर के जवाहर नगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी, चपेट में आया फर्नीचर के शोरूम सहित गोदाम, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हाउसिंग सोसाइटी में भीषण आग, सोसाइटी के 16वें फ्लोर के फ्लैट से शुरुआत हुई, ऊपर के 3 फ्लोर्स को अपनी चपेट में ले लिया। गाजियाबाद में कई जगहों पर लगी आग, सिटी ट्रांस हिंडन और देहात क्षेत्रों में देखा गया आग का कहर, कई जगहों पर शॉर्ट सर्किट और पटाखों से आग लगी। लुधियाना में फैक्ट्री के गोदाम में आग के बाद भगदड़ का माहौल, गोदाम में पड़ा लाखों रुपए का धागा जलकर राख हो गया, गोदाम मालिक ने शरारती तत्वों पर शक जाहिर किया। गुजरात के आनंद में ONGC की साइट पर आग लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर काबू पाया। तमिलनाडु में अचानक से आए मौसम में बदलाव से हैरानी, भारी बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को दिवाली का त्योहार मनाना मुश्किल किया। एलूर में मारे गए युवक की सुधाकर के रूप में पहचान हुई, गाड़ी को लेकर आ रहा पटाखों की गठरी, धमाके से युवक के शरीर के कई टुकड़े हुए। तमिलनाडु में मंदिर के पास मिला रॉकेट लॉन्चर, त्रिची जिले में कावेरी नदी के किनारे से बरामद हुआ, मंदिर आए श्रद्धालुओं ने जानकारी दी थी। त्रिची पुलिस ने रॉकेट को नदी से निकालकर सेना को सौंपा, मामले की विस्तृत जांच जारी, सुरक्षा एजेंसियां भी कर रही हैं जांच। दिवाली पर भारत और चीन के सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, हाल ही में पीछे हटी थी दोनों देशों की सेनाएं, जम्मू में बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। LAC से पीछे हटी भारत चीन की सेनाएं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सीमा पर चीन के सैनिकों से बात की, सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो कि देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती।
कश्मीर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारी नीतियां हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती हैं। हम दुश्मन की बातों पर नहीं बल्कि सेना के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। पीएम मोदी ने सैनिकों से कहा कि दुश्मन जब आपको देखता है तो उसे दिखाई देता है बुरे मंसूबों का अंत। लखनऊ में पोस्टर की सियासत जारी, राजभवन चौराहे से एसपी ऑफिस की तरफ जाने वाली सड़क पर पोस्टर लगा। एसपी नेता के लगवाए गए पोस्टर में लिखा हुआ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की, गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, नामांकन रद्द करने की मांग की। बीजेपी के प्रत्याशी गमानियल हेम्ब्रम ने कहा कि चुनाव आयोग मामले पर कार्रवाई करे, हेमंत सोरेन का रद्द कर दिया जाए नामांकन। बीजेपी प्रत्याशी ने हेमंत सोरेन पर लगाए 3 आरोप, गलत उम्र बताने का आरोप लगाया, जमीन और पत्नी के नाम पर कार से जुड़ी हुई है शिकायत। जेएमएम प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री का बयान, 10वीं के सर्टिफिकेट में लिखे हेमंत सोरेन की उम्र 49 साल, बीजेपी डरी हुई है। रांची में बोले कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा, बीजेपी लगाती आई है इस तरह के आरोप, इस बार चुनाव में खिसकी हुई है बीजेपी की जमीन। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की मांग, कहा कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा, हेमंत सोरेन से डरी हुई है बीजेपी, झारखंड में बीजेपी के पास नेता नहीं है। बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने कहा, चुनाव आयोग की कार्रवाई पर हमारी नजर है, हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखने की जरूरत है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने जीत का दावा किया, कहा कि बीजेपी की साख बचाने के लिए लगातार झारखंड आ रहे हैं बीजेपी के नेता। झारखंड बीजेपी में बगावत रोकने की कोशिश, झारखंड चुनाव के बीजेपी सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बागी बीजेपी नेता सत्यानंद झा से मुलाकात। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार, बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अंबा प्रसाद का चुनावी अभियान, लोगों से मुलाकात। कांग्रेस की महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला का पद से हटाने की मांग, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। एनसीपी अजित गुट के नवाब मलिक ने आरोप लगाया, एक्स पर पोस्ट किया वीडियो, कहा मानखुर्द में समाजवादी पार्टी दफ्तर बना हुआ है, नशे का अड्डा। मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे नवाब मलिक, मौजूदा विधायक अबू आजमी एसपी के प्रत्याशी, दोनों के बीच है कड़ा मुकाबला। यूपी की कुंदरकी विधानसभा सीट पर है उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने कहा, पन्ना प्रमुख की डायरी ही होगा ड्राइविंग लाइसेंस। बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मोटरसाइकिल पकड़े जाने पर दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है, पुलिस की हिम्मत नहीं कि आपको पकड़ ले। गोरखपुर के वनटांगिया गांव में बोले सीएम योगी, समाज को बांटने वालों में रावण दुर्योधन का डीएनए। यूपी के सीएम योगी ने कहा, जो काम त्रेता युग में रावण ने किया वही काम आज बांटने वाले भी कर रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बांटने और काटने की राजनीति करने वालों में रावण दुर्योधन और दुशासन का डीएनए। आरजेडी का सीएम योगी पर निशाना, कहा किसको दे रहे हैं ज्ञान, अपने गिरेबान में झांक लें कि समाज को क्या दे रहे हैं। कांग्रेस का यूपी के सीएम योगी पर पलटवार, डॉक्टर उदित राज ने कहा, योगी आदित्यनाथ को पहले अपना डीएनए चेक कराना चाहिए। सीएम योगी के बयान पर बोले एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन, जब से पीडीए की ताकत बढ़ी है, बीजेपी के अहंकार को तोड़ा, तब से बीजेपी की भाषा बदल गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, बीजेपी के लोगों में मिलेगा रावण और दुर्योधन का डीएनए, पिछड़ा वर्ग अगर इनके साथ रहेगा तो कटेगा, अगर अलग रहेगा तो बचेगा। लखनऊ में एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने दावा किया, बीजेपी में साफ नजर आती है हार की छटपटाहट। मध्य प्रदेश सरकार पहली बार प्रदेश में करवाएगी गोवर्धन पूजा, प्रदेश के सभी संभाग से लेकर गांव तक होगा सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन। आज होगी दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का समय तय, एनएससी और बीएससी ने जारी किया सर्कुलर। 3 अफ्रीकी हाथियों को जामनगर के वन्य जीव बचाव केंद्र वनतारा में किया जाएगा शिफ्ट, ट्यूनिशिया के एक प्राइवेट चिड़ियाघर ने संपर्क किया था।
ओडिशा में आइसक्रीम स्टिक से बनाया गया मां काली का चेहरा, पुरी के कलाकार ने बनाई चेहरे की लघु कलाकृति। हांगकांग सिक्सेस में भारतीय टीम का आज पाकिस्तान से होगा सामना, नजर आ सकती है छक्के चौकों की बरसात, एक टीम में खेलते हैं सिर्फ 6 खिलाड़ी। क्रिकेट के मैदान पर इस साल भी नजर आएगा धोनी का जादू, चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया, टीम को 5 बार खिताब दिला चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी। आईपीएल में दिल्ली ने छोड़ा ऋषभ पंत का साथ, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप भी नहीं किए गए रिटेन, मुंबई के लिए खेलते रहेंगे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या।